अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सो हम इस वक्त हैं पैनोरामा मॉल में और यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव बेसिकली एक चल रही है, वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये वो तमाम लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने आए हैं। सो वैक्सीन से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है ओमान का और आप 18 साल से लेके ऊपर तक जितनी भी आपकी एज है, तो आप एक्सपेक्ट्स हैं या नेशनल्स हैं, आप वैक्सीन को अवेल कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त जो है वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन दी जा रही है, और उसका प्रोसीजर जो है वो बहुत सिंपल है। अभी तो खैर स्टॉक ख़त्म हो गया, अभी हम आए थे तो स्टॉक ख़त्म है। नेक्स्ट वीक में दोबारा से ये ड्राइव शुरू होगी, मतलब संडे मंडे से। ओके, ओनली ये हॉस्पिटल नहीं है, ये MMC में हम लोग आए हैं। जो भी डॉक्टर जो जगह ओपन किया हुआ है, 22 रियाल्स में फीस है उसका। अलमरात में भी हॉस्पिटल्स हैं, जो डिटेल अभी आपके ऊपर में हम लोग करेंगे। 22 रियाल्स आप एक बार पे करोगे दो डोज के, 1 और 2 के एक ही टाइम पे करोगे। 4 to 4 to आज ये करोगे और दूसरा 4 to 6 वीक्स का टाइम दे के करते हैं। सो पहला डोज अगर आपका सपोज़ आज हो रहा है 14 जून को, तो अगला डोज आपका जो है वो 4 से 6 हफ्ते का गैप दे करके कर दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम लोग वो हैं जो वैक्सीनेशन अपनी ले रहे हैं, सो ये एक अच्छी बात है। और अब आप लोग भी, और ये बहुत सारे लोग हैं, इनके हम कुछ के रिव्यू वगैरह भी लेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम मसला मसाइल कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन ऑल परफेक्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, कल हम एक और जगह पे जाएंगे बेसिकली जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, और वो है सुल्तान काबूस स्टेडियम जो है बोशर में, वहाँ पर। सो वहाँ के भी हालात हम देखेंगे और वाकया देखेंगे, और उससे भी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि कोई भी बंदा, आप एक्सपेक्ट हैं या नेशनल हैं, आप वैक्सीनेशन अपनी करवा सकते हैं। और वैक्सीनेशन अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, मतलब हर बंदे को लाजमी, क्योंकि ट्रैवलिंग के पर्पज़ से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं जा सकता। जैसे दुबई के अभी हालात ऐसे हैं कि आप सिनेमा हॉल में भी नहीं जा सकते, आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। आपको जो जगह जाने का है उसके लिए अलाउड नहीं करेंगे, आप कोई भी जगह जाओगे विदाउट वैक्सीनेशन। ये वेरी सिंपल है, मेरी वालदा ने कल लगाया था, अल्लाह के रहम फजल से वो भी ठीक हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो गया, उसको भी वीडियो में निकाल के देखा थे। कल मेरे माँ ने फाइजर लगाया था हॉस्पिटल में। सो फहीम भाई की वालदा की वैक्सीनेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जितने भी वो लोग जो वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत खबरें फैला रहे हैं और झूठी आगे पीछे की बातें कर रहे हैं, उनके बातों में आप मत आएँ, वैक्सीन करवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप भी प्रोटेक्ट रहें और आपका इन्वायरमेंट और आपके करीब करीब के लोग भी प्रोटेक्टेड रहें अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरा घर के मामला है, मैंने खुद घर में करवाया, माँ अपनी वालदा से, सबसे दुनिया से सबसे अजीज़ चीज़ मेरी माँ है, उसने करके देखा है, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है। इंजेक्शन जो लगाते हैं नॉर्मल इंजेक्शन से भी वो छोटा इंजेक्शन है, आप जो लगाओगे आपको पेन मेन कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ है, क्योंकि मैंने अपने घर से देखा है। थैंक यू। सो घर की बात इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए, और इस वीडियो का मकसद एक अवेयरनेस फैलाना है लोगों को, जो फजूलियात चल रही है मार्केट में, जो उल्टी पुल्टी खबरें चल रही है उससे बचाना है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों को इसको फॉरवर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।